ओम शांति। स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राज योग। पार्ट 18। सभी बुराइयों की जड़ क्या है? शारीरिक चेतना और बुराइयां। हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे शरीर चेतना 5 मुख्य बुराइयों के उद्भव की ओर ले जाती है। हम शरीर समझते हैं तो 5 हमारे अंदर विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5ों के 5ों विकार हमारे अंदर आते हैं। नंबर 2, उदाहरण। ये दर्शाने के लिए उदाहरण प्रदान करता है कि रोजमर्रा की स्थितियों में शरीर चेतना कैसे प्रकट होती है। उदाहरण के लिए ये वर्णन करता है कि कैसे शारीरिक उम्र पर आधारित गर्व परिवारों और राष्ट्रों के भीतर संघर्ष का कारण बन सकता है और कैसे लगाव भावनात्मक संकट का कारण बन सकता है। जब हम अपने को देह समझेंगे, देह समझने के कारण क्या होता है? संघर्ष का कारण बन सकता है। और फिर कैसे लगाव जो है वो भावनात्मक संकट, क्योंकि जिसमें अटैचमेंट हो जाएगी उसके प्रति क्या होगा, भावनाएं बैठ जाएंगी, मोह आ जाएगा, तो वो भी एक संकट का कारण बन सकता है। लगाव को भाई भतीजावाद, पक्षपात और संकीर्ण राष्ट्रवाद जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों के मूल कारण के रूप में उजागर किया गया है। अब क्या होता है ना कि जहां हमारे पास लगाव हो गया तो लगाव का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारी बिरादरी का है, हमारे परिवार का है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा मित्र संबंधी है, हमारे सेंटर के भाई बहन है, हमारी कंपनी में काम करता है, हम इसको जानते हैं, ये हमारे पास कभी कभी आता है तो भी अटैचमेंट हो जाता है। संकीर्ण राष्ट्रवाद जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों के मूल कारण के रूप में उजागर किया गया है। सेक्स वासना, संक्षेप में यौन वासना को शारीरिक विशेषताओं के प्रति आकर्षण के रूप में चर्चा करता है जो लिंग या उम्र के संदर्भ में स्वयं के प्रति सचेत होने से उत्पन्न होता है। जब तक हमें अपने बारे में, शरीर के बारे में जानकारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये काम वासना हमारे जीवन में आती जाती है। गुस्सा और नफरत, ये बताता है कि कैसे गुस्सा और नफरत दूसरों को अलग या अपना नहीं मानने से पैदा होता है, जिससे नस्लीय भेदभाव, जातिवाद जैसी घटनाएं होती है। मतलब कोई ना कोई गुस्सा होता है जिसके कारण चाहे जाति के रूप से, बिरादरी के रूप से या किसी कारण से भी परिवार में भी एक दूसरे के अंदर इतना गुस्सा भर देते हैं जो बस उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। लालच को शारीरिक चेतना के परिणाम के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि व्यक्ति अक्सर दूसरों की कीमत पर अपने या अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता देते हैं। मेरा महत्व ज्यादा है, दूसरों को मैं उतना क्यों महत्व दूं? क्योंकि ये सब लालच किस लिए आता है? देह अभिमान के कारण आता है ना। लालच को शारीरिक चेतना, शरीर समझना अपने आप को, शरीर की स्मृति में या देह अभिमान के कारण परिणाम के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि व्यक्ति अक्सर दूसरों की कीमत पर अपने या अपने परिवार के हितों को पहला स्थान या प्राथमिकता देते हैं।
आत्म चेतना या योग की आवश्यकता क्या है? पवित्रता और शांति प्राप्त करने के लिए आत्म चेतना या योग की आवश्यकता पर जोर देकर समाप्त होता है। ये सुझाव देता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए शरीर चेतना को पार करना आवश्यक है, मतलब शरीर चेतना को छोड़ना है, आत्म चेतना को अपनाना है। कुल मिलाकर व्यक्तियों और समाज पर शरीर चेतना के हानिकारक प्रभावों को रेखांकित करता है। इन बुराइयों के इलाज के रूप में आत्मा चेतना या योग की और बदलाव की वकालत करता है, मतलब को इंपोर्टेंस देता है कि अपने अंदर चेक करो और अपने अंदर परिवर्तन करो। और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।